कप्तानी छोड़ दी, मतलब ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि उन्होंने पहले T20 छोड़ी, वनडे से उनको हटाया गया, विवाद चल रहा था, अचानक से उन्होंने अभी अभी ट्विटर के जरिए ये बताया है कि 7 साल पहले जो सफर टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का शुरू हुआ था, अच्छा सफर, वो आज खत्म हो गया है। यानी कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं कप्तानी के लिहाज से। ये मेरे ख्याल से थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इट्स बीन 7 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, टॉयल एंड रिलेंटलेस परसीवियरेंस एवरी डे टू टेक द टीम इन द राइट डायरेक्शन। मैंने जो काम है बड़ी ईमानदारी के साथ किया है, कुछ नहीं छोड़ा, हर अच्छी चीज जो है वो खत्म आती है, और आज टेस्ट मैचों की कप्तानी खत्म करने का वक्त आ गया है। अप्स एंड डाउन हुए हैं भारत की क्रिकेट में, लेकिन किसी वक्त ऐसा नहीं लगा कि मैंने हिम्मत नहीं की या मेहनत नहीं की और मेरे में विश्वास की कमी हो। मैंने हमेशा अपनी 120% देने की कोशिश की, और अब मुझे लगता है अगर मैं वो नहीं दे सकता हूं तो फिर मुझे कप्तानी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि आई नो इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, आई हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन माय हार्ट एंड आई कैनॉट बी डिसऑनेस्ट टू माय टीम। आई वांट टू थैंक द BCCI फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू लीड माय कंट्री। वो कह रहे कि BCCI ने मुझे भारत की कप्तानी इतनी देर करने का वक्त दिया, मौका दिया, मेरे खिलाड़ियों ने मुझे साथ दिया, और यू गाइज हैव मेड दिस जर्नी सो मेमोरेबल, सो ब्यूटिफुल टू रवि भाई एंड द सपोर्ट ग्रुप हु वाज द इंजन बिहाइंड दिस व्हीकल दैट मूव्ड अपवर्ड्स इन टेस्ट क्रिकेट, और आप सबने बड़ा रोल प्ले किया है। लास्टली बिग थैंक यू टू MS धोनी who believed in me as a captain and found to be an able individual. So, विराट कोहली ने ये थोड़ी देर पहले आप मान के चलिए अब से ठीक 8 मिनट पहले ये ट्विटर के जरिए टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। इसी तरह से उन्होंने ये कहा था कि मैं T20 की कप्तानी छोड़ूंगा वर्ल्ड कप के बाद, और ठीक उसी तरह आज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का किसी वक्त किसी को इल्म नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो नतीजा भारत के फेवर में नहीं गया वो, और हो ना हो शायद जो BCCI और उनके बीच जो थोड़ी तकरार चल रही थी उसका भी एक असर इस चीज पर दिख रहा हो। तो विराट कोहली ने ये ऐलान कर दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में वो और कप्तानी भारत की नहीं करेंगे। भारत के जो टेस्ट के वाइस कैप्टन थे वो रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा इस दौरे पर गए नहीं, KL राहुल से कप्तानी कराई गई। हो सकता है कि अब विराट के बाद सिलेक्टर्स को तय करना है कि क्या वो वाइस कैप्टन जिनको अपॉइंट किया था यानी कि रोहित शर्मा को ही देंगे कप्तानी। अगर ऐसा होता है तो फिर रोहित शर्मा आपके T20 वनडे और टेस्ट तीनों के कप्तान रहेंगे, या फिर वो KL राहुल को टेस्ट मैचों की कप्तानी देना चाहेंगे। मुझे लगता है विक्रांत आप ठीक कह रहे हैं, मदन लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी क्या कहेंगे आप विराट की इस जानकारी पर, इस निर्णय पर? देखिए मेरे को ये हैरानगी जरूर हुई है कि जो इन्होंने डिसीजन लिया है, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी नाराजगी भी शो की है, क्योंकि जैसे इनको ट्रीट किया गया, जो इनको कप्तान हटाया गया उसके बाद ये ट्विटर के जरिए अनाउंस करना कैप्टनसी कि मैं नहीं कर रहा, ये तो मजाक वाली बात है। अगर आपने करनी भी है तो आप BCCI के जो बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी है उनको, या सेलेक्टर्स के चेयरमैन है, जो उनको एक लिखा जाता है कि हाँ भाई मैं कैप्टनसी नहीं करना चाहता। टूर चल रहा है, आपने वनडे सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है, आप एक सीरीज हार चुके हुए हैं जी। और जो कि हम सोच रहे थे कि ये इंडियन टीम जो है जीतेगी, बट ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा जो भी उन्होंने किया है। ठीक है मदन जी, जिस तरह से आपको अच्छा नहीं लगा ये सबके मन में यही बात आ रही, लेकिन जब वनडे की कप्तानी छोड़ रहे थे विराट, जब उन्हें कहा गया तब भी ये खबर आई थी ना कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन BCCI के प्लान्स कुछ और थे जिस वजह से उन्हें जाने को कहा गया। पता नहीं है मेरे को जो इनको जाने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया, ये तो प्रतिक्रिया लगाई जा सकती है। पर ये पहले जब उन्होंने कहा था कि मैं वनडे की करूंगा और टेस्ट मैचेस की करूंगा, बिटवीन उन्होंने ये सिलेक्टर ने कहा कि नहीं आप व्हाइट बॉल के कैप्टन नहीं रहेंगे, तो आप सिर्फ टेस्ट मैचेस के कैप्टन रहेंगे जी। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये मामला ज्यादा उलझ गया था और ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ,
और उसके बाद मैं समझता हूं कि इन बिटवीन जैसे टेस्ट सीरीज खत्म की है, ठीक है टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, पर टूर तो नहीं खत्म हुआ ना, टूर तो अभी चल रहा है वनडे का, आप तो आपको कंट्री के लिए खेल रहे हैं, कोई ये नहीं है कि कैप्टनसी छोड़ दी और ले ली, ये तो बात नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता इतनी बड़ी, देखिए बहुत बड़ा होता है ये, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है ये आपकी, ये जो जो आपको तो इसका मतलब ये हुआ मदन जी, मदन सर इसका मतलब ये हुआ कि पहले से टेस्ट कप्तानी विराट की जो थी वो खतरे में पड़ी हुई थी? खतरे में तो नहीं पड़ी हुई थी, मैं नहीं समझता कि खतरे में पड़ी हुई थी, उन्होंने पता नहीं, ये तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कहा भाई ठीक है आप ये टेस्ट मैच की कैप्टनसी ले लो, मैं ऐसे प्लेयर ही खेलूंगा, ये उन्होंने मेरे ख्याल मन ही मन में नाराजगी जताने का एक तरीका है, बिल्कुल मेरे को लगता है ऐसे कि नहीं, तो कैप्टनसी बहुत बड़ी बहुत बड़ा होता है। विक्रांत आप क्या कहेंगे, ये सिर्फ नाराजगी है जो उन्होंने इस तरह से जाहिर की है? देखिए कुछ तो है और कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, नाराजगी कहें या तकरार कहें, जो थम नहीं रही है, क्योंकि आप इसे 4 महीने के सीक्वेंस को उठाकर देखें कुछ ठीक नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं विराट वर्सेस बीसीसीआई ये बात चल रही थी, या विराट वर्सेस सौरव गांगुली आप कहिए, चेतन शर्मा भी जब न्यू ईयर्स वाले दिन पर आकर उन्होंने वनडे की टीम का ऐलान किया, उस वक्त उन्होंने बोला था कि हाँ उनसे कहा गया था, तो मुझे लगा शायद थम गया होगा, क्योंकि विराट भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, हालांकि उनसे सवाल नहीं पूछा गया और सीरीज खत्म हो गई। लेकिन विराट इस तरह की शख्स है नहीं है, जितना आप उनको जानते हैं वो इस तरह के नहीं है कि वो लड़ाई से भाग जाएंगे, वो कप्तानी छोड़ देंगे, भाई वो कप्तानी पर थ्राइव करते थे, और आप देख रहे थे जो टेस्ट मैच चल रहा था परसों कल, किस डेस्परेशन के साथ वो जीतना चाहते थे। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बीसीसीआई ने उनको कहा होगा, क्योंकि अगर ये बीसीसीआई ने उनको कप्तानी छोड़ने के लिए कहा है तो फिर ये बहुत बड़ा बवाल है। तो फिर आपकी नजर में विक्रांत क्या कारण हो सकता है? नहीं कारण देखिए, अब मैंने जैसे कहा दो चीजें है ना, एक जब तकरार है या तो फिर बीसीसीआई ने विराट को कहा, वो मुझे मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि अगर वैसा होगा तो बहुत बड़ा बवाल है, या फिर विराट ने खुद जैसे आप कहिए उन्होंने पहले भी प्रीएम्प्ट किया था T20 को, हो सकता है उन्होंने यहाँ पर भी अपने आप को प्रीएम्प्ट किया हो, शायद जैसे मदन जी ने कहा वो कहते ठीक है यार मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता जी, मैं एक खिलाड़ी के तौर पर खेलता हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा देखेंगे, उन्होंने बोर्ड को अगर ये विराट का ही डिसीजन है, अगर ये सिर्फ विराट का डिसीजन है तो उन्होंने बोर्ड को ठेंगा दिखाया है, लेकिन अगर बोर्ड से इन्फ्लुएंस डिसीजन है तो फिर मुझे लगता है बोर्ड भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आप पीछे जाएं, ये बात जब दिसंबर के पहले हफ्ते में विराट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब हमने कहा था इस लड़ाई में जीतेगा कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई में कोई जीतेगा, तो क्रिकेट हारा है क्या? आज आप कहीं ना कहीं हार मान रहे हैं क्या मदन जी? यहाँ क्रिकेट हारा है, क्रिकेट भारतीय क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, टीम को हमारी नुकसान हो रहा है इन चीजों से? अब बिल्कुल टीम को नुकसान हो रहा है, देखिए आप क्रिकेट से बड़े और कंट्री से बड़े नहीं है, नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी टीम इतनी अच्छी है। और जो विक्रांत ने कहा कि बीसीसीआई ने नहीं बोला होगा, मैं नहीं मानता कि बीसीसीआई ने इन बातों में वो इंटरफेयर करती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बोलेंगे तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा होगा, और ये मेरे को लगता है कि विराट कोहली ने खुद ही ये कैप्टनसी छोड़ी है कि मैं ठीक है। और कारण क्या लग रहा है मदन जी आपको क्यों छोड़ी? तो कारण ये कि ये देखो ये कारण तो मेरे को यही लग रहा है कि एक कारण ये लग रहा है कि जब इनको वनडे और टेस्ट मैच का कैप्टन नहीं बनाया, वर्ल्ड वनडे का नहीं बनाया, उसके बाद ये मेरे को लगता था कि ये नाराज ही चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा भाई ठीक है मैं टेस्ट मैच की कैप्टनसी करके देखता हूँ, ठीक है अगर निकलता हूँ तो शायद नो लाइक, देखिए सीरीज जीतने के लिए जीतना बहुत जरूरी था विराट के लिए, पर ये है कि नाराजगी उन्होंने शो की है जब उन्होंने उनको वनडे 50 ओवर का कैप्टन हटाया गया। तो ये मदन जी और विक्रांत हम आप दोनों से समझना चाहते हैं कि अगर बीसीसीआई बहुत ज्यादा इस तरह की बातें नहीं करता है या बीसीसीआई इंटरफेयर नहीं करता तो क्या ये वो पुराने खिलाड़ी हैं, चाहे वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो सौरव गांगुली, चाहे दूसरे पदाधिकारी जो साथ में विराट के खेला करते थे या उनसे सीनियर थे या जूनियर थे, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच की रिफ्ट है? और बीसीसीआई का ट्वीट भी आ गया है यहां पर, ट्वीट हम बता दें, विराट कोहली के इस्तीफे पर बीसीसीआई ने भी ट्वीट कर दिया है, टीम को ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम योगदान, महत्वपूर्ण योगदान विराट कोहली का रहा है, वो टीम इंडिया के सफलतम कप्तान रहे हैं, विराट कोहली टीम इंडिया के सफलतम कप्तान रहे हैं, विराट के इस्तीफे पर बीसीसीआई ने अपनी तरफ से ये ट्वीट कर दिया है। मदन जी क्या इसका मतलब ये हुआ कि बीसीसीआई को कोई आपत्ति नहीं है, कोई मनाना नहीं, कोई पूछना नहीं, आपने इस्तीफा दिया, ये इस्तीफा स्वीकार इस ट्वीट के बाद, माने हम ये बात?
सही, देखिए देखिए बीसीसीआई कभी किसी को पूछती नहीं है कि आपने क्यों छोड़ी है। उन्होंने तो सबको उन्होंने कहा है कि ट्वीट के ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कहा भी ठीक है अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम किसी और को बनाते हैं। वो तो रोहित शर्मा है ही है जी। पर ये इस ट्वीट से तो यही साबित होता है। पर मेरे विचार में देखिए आप बड़े भी खिलाड़ी हो, एक थोड़ा सा है ना आपको डेकोरम रखना चाहिए थोड़ा सा, यू नो ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों, व्हाई? बिकॉज देखिए टीम को बिल्ड करना और उसको स्पाइल करना बड़ा आसान है, बिल्ड करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये विराट ने जो भी इन बिटवीन जैसे आप सीरीज खत्म होके जो वनडे सीरीज खत्म होके घर आके अनाउंस कर देता भी सर, को लेटर देता हम एक मिनट मदन सर, मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, हम विराट कोहली का ट्वीट दिखा रहे हैं इस वक्त जो उन्होंने किया, मैं टेस्ट की कप्तानी छोड़ रहा हूं, मैं बीसीसीआई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लंबे वक्त तक देश को लीड करने का मौका दिया, मैं एमएस धोनी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक कप्तान के रूप में मुझमें भरोसा किया। विक्रांत, तुरंत बीसीसीआई का ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, आप सफलतम कप्तान थे, आपको बधाई। इसका मतलब यह कि बीसीसीआई इंतजार ही कर रही थी कि विराट छोड़े और हम माने। इंडिया ने ऐसा नहीं हुआ होगा, वो विराट ने ये भी नहीं है कि बीसीसीआई को बिना बताए ट्वीट किया होगा, विराट ने बात की होगी उनसे, उनको बताया होगा कि मैं ये अनाउंस करने वाला हूँ, जिस तरह से उन्होंने टी ट्वेंटी की कप्तानी का किया था। ये बड़ा फैसला है, आई थिंक टी ट्वेंटी कप्तानी छोड़ना बहुत बड़ा फैसला नहीं था, पूरी तरह से टेस्ट मैचों की कप्तानी छोड़ना ज्यादा बड़ा फैसला है क्योंकि यहाँ पर उनको थ्रेट नहीं था, वो अनडिस्प्यूटेड कप्तान थे आपके भारत के इतिहास के सबसे सफल। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी में छोड़ा है? नहीं, वो तो हम बार बार बात कर ही रहे थे कि वो नाराजगी कह लीजिए या फिर शायद वो प्रियंट कर रहे हैं कि बीसीसीआई मुझे टारगेट कर रहा है। मैंने कहा ना दोनों तरफ से या तो ये है कि उन्होंने बीसीसीआई को खेला दिखा दिया कि जाओ आप मुझे हटाओ इससे पहले मैं छोड़ देता हूँ, या फिर बीसीसीआई ने उनको नज किया, दोनों तरफ से तो बात गलत है ना। जो मदन जी कह रहे हैं अल्टीमेटली क्या है, आपके पास टी ट्वेंटी और वनडे का एक सक्सेशन प्लान था, सक्सेशन प्लान का मतलब था आपको पता था चलो रोहित शर्मा कप्तानी कराएंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद टेस्ट क्रिकेट का सक्सेशन प्लान इंडिया के पास नहीं है। अभी भी जिसको आप टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाएंगे, अगर रोहित शर्मा को बनाएंगे, वो फॉर अ ब्रीफ लिटिल टाइम ही होगा, वो आप टेम्परेरी बेसिस पर करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर्स ने ये तय किया हुआ था कि भाई विराट कोहली को जब टेस्ट क्रिकेट से हटाया जाएगा कप्तानी तो खिलाड़ी को बना देंगे, क्योंकि आप एज्यूम कर रहे थे कि विराट अभी चलेंगे, टेस्ट क्रिकेट में कोई थ्रेट नहीं था, लेकिन अचानक से उनका ये छोड़ देना, इवन जब धोनी ने अचानक से छोड़ा था तब भी क्लियर था कि विराट कप्तानी कर चुके थे और विराट ही अगले कप्तान होंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट अगर आप देखें इट इज इन अ टर्मॉइल बिकॉज आपको सक्सेशन प्लान नहीं पता है। और जहां तक ट्वीट की बात है, बीसीसीआई से बात की होगी, बीसीसीआई ने ट्वीट किया है, थोड़ी देर में प्रेस रिलीज भी आएगी जिसमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट बीसीसीआई सेक्रेटरी जो है वो विराट के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले तीन महीने के इस विवाद में भले उसे बीसीसीआई गलत हो या सौरव गांगुली गलत हो, जय शाह गलत हो या फिर विराट कोहली गलत हो, आपकी इंडियन क्रिकेट को आगे नहीं पीछे ही धकेला। ये महत्वपूर्ण बात विक्रांत आपने कही। मदन सर, धोनी को धन्यवाद कहा है विराट ने अपने ट्वीट में, कैसे देखें इसे, क्या मतलब है इसका? देखिए वो धोनी के साथ खेले हुए हैं और देखिए उनके साथ उन्होंने समय बताया, उन्होंने उनसे कई ट्रिक ऑफ द ट्रेड कहते हैं ना कैप्टनसी थोड़ी बहुत सीखी भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं, पर धन्यवाद तो उसने करना ही था। देखिए जब आप छोड़ते हैं तो आप बीसीसीआई का धन्यवाद किया, महेंद्र सिंह धोनी का उन्होंने धन्यवाद किया, पर मेरे विचार में अभी विराट कोहली चाहिए था हमें टेस्ट मैच के कैप्टनसी, जैसे वो कैप्टनसी करते हैं अग्रेसिव कैप्टन है, उनको अच्छा लगता है उनको देखते हुए जब वो कैप्टनसी करते हैं, और ठीक है अगर आपने सीरीज हारी है उससे भी आप अगर थोड़ा बहुत नाराज है तो आपकी गलती है, क्योंकि आपने आपने बैटिंग की ही नहीं, आपने रन बनाई नहीं, तो ये सब चीजें जैसे विक्रांत ने कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए ये दो तीन महीने में इंडियन क्रिकेट जो है आपको धक्का लगा है, ये क्योंकि मजाक सा हो थोड़ा सा लग रहा है मेरे को तो, ये क्योंकि इंडियन टीम की कैप्टनसी लोग जो प्लेयर्स होते हैं तरसते हैं उसको, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा होता है, तो ये पीछे ही जा रही है, ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका इसको सेटल होना चाहिए और आगे देखना चाहिए हमें। अच्छा, ये इस तरह की जो बातें आ रही थी मदन सर कि वनडे टी ट्वेंटी के बाद विराट टेस्ट से भी उनकी कप्तानी जाएगी, ये क्या उसी का रिजल्ट हम आज देख रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं 2020 की कैप्टनसी छोड़ रहा हूं और मैं वनडे 50 ओवर की और टेस्ट मैच की कैप्टनसी करूंगा,
तो वो अगर जब इन्होंने कह दिया भी नहीं व्हाइट बॉल का एक ही कैप्टन होगा तो टेस्ट मैच में आप कैप्टनसी करेंगे, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में गिला शिकवा जरूर होगा इस बात का कि मेरे को क्यों इन्होंने हटा दिया 50 ओवर का। पर मैं समझता हूं कि यहां भी थोड़ी बहुत ही सिलेक्टर्स की भी गलती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेना और क्योंकि देखिए आगे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप आ रहा है आपका, देखो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बड़ा ध्यान सुसमझ के जो था ना वो डिसीजन लेने चाहिए। मदन सर, मदन लाल जी और विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, आप दोनों का मदन जी विक्रांत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी है और साउथ अफ्रीका से अभी हमारी सीरीज खत्म हुई जो 2-1 से हम हारे और उनका बल्ला भी काफी दिन से नहीं चल रहा है।